दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है, अब मंथन चल रहा है कि कहां कहां क्या हुआ, किन सीटों पर क्या होगा। इस वक्त मैं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार सुनील यादव के साथ बैठा हूं और अभी देख सकते हैं ये शतरंज की बिसात यहां पर लगी हुई है और बच्चे वीडियो गेम में मस्त हैं और सुनील जी भी अपने जो पदाधिकारी हैं क्षेत्र के उनके साथ बातचीत कर रहे थे, एक आकलन कर रहे थे कहाँ कुछ क्या रहा है, हम भी जानने की कोशिश करते हैं। सुनील जी, कैसा रहा चुनाव, पहले तो यही पूछूंगा। 21 तारीख को नॉमिनेशन भरने के बाद जब तक वोट होने गए शाम को 6 बजे तक, 8 तारीख तक, तब लगातार सुबह उठना, जल्दी भागना, पूरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक लेना, फिर मंडल अनुसार बैठक लेना, बूथों की छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग करना, फिर सभाएं जनसभाएं करना, ऐसे लगातार पिछले 15 साल छोटे बड़े काम मिला के बस रात को 2 बजे 3 बजे आना, फिर सुबह पार्कों में जाना, तो बड़ा हैट्रिक शेड्यूल रहा। लेकिन अब चुनाव लड़ना है तो फिर कोई कसर छोड़नी नहीं है, तो इस तरह काफी मेहनत करनी पड़ी है। अभी सुनील यादव के नाम का अनाउंसमेंट हुआ था तो आखिरी वक्त में अनाउंसमेंट हुआ, एक तो ये चर्चा चल पड़ी कि हल्का कैंडिडेट दे दिया मुख्यमंत्री के खिलाफ, हल्का कैंडिडेट दे दिया, तो कैसा रहा मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ना? बड़ा पॉजिटिव रहा चुनाव लड़ना, क्योंकि पॉजिटिव मैं इसलिए कह रहा हूँ कि केजरीवाल जी यहाँ चीफ मिनिस्टर तो है पर यहाँ पे एमएलए की जो रिक्वायरमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी की, वो यहाँ पे एबसेंट रहे। अब एमएलए की मैं मानता हूँ कि जिम्मेदारी है कि छोटे से लेके बड़े काम तक हर आदमी एमएलए की तरफ देखता है। चीफ मिनिस्टर होने की वजह से ना तो उनका घर है यहाँ पे, ना उनका कोई दफ्तर था। एनडीएमसी में जो दफ्तर मिलता है, एनडीएमसी का विधायक होने के नाते वो ताला लगा रहता था। लोगों के रोजमर्रा के काम, शादी ब्याह में आना, घरों में थोड़ी मदद कर देना, कोई टेलीफोन कर देना, कोई चिट्ठी लिखाना, थाना अध्यक्ष को कभी फोन करना, ऐसी चीजों में एब्सेंट रहे। तो मुझे लगता है कि उनके खिलाफ लड़ने का फायदा मुझे मिला कि उनकी एंटी इनकम्बेंसी रही विधानसभा में, यहाँ पे उनके पानी बिजली का कोई मुद्दा नहीं था फ्री का, और साथ में सरकारी कर्मचारी होने की वजह 60% उनके खिलाफ रहे क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाए उनके लिए। तो यहाँ के मुद्दे डिफरेंट थे नई दिल्ली विधानसभा के, इसलिए जो मेरे को जन समर्थन मिला लोगों के बीच में जाने से, जो पॉजिटिविटी आई, तो मुझे लगता है कि चुनाव हारेंगे केजरीवाल इस बार। लोकल कैंडिडेट बना मुख्यमंत्री में, लोकल कैंडिडेट भारी पड़ रहा है? नहीं, वो वीआईपी कैंडिडेट हो गए हम लोग, मुख्यमंत्री तो छोड़ो, वो भी मेरे जरा चुनाव लड़ने आए थे एक बार, तो वो भी बाहर के कैंडिडेट थे उस टाइम, लेकिन उनके साथ क्या ना आम आदमी का एक छवि थी कि भाई गले में मफलर, थोड़ा खांसते हुए, पैंट ऊपर नीचे करके चप्पल में आना, तो लोगों को लगा कि हमारे जैसे ही आदमी है, ये हमारे लिए क्षेत्र के लिए कुछ करेगा। तो देखो अब आप सवाल ही खुद कर रहे हो कि वीआईपी हैवीवेट कैंडिडेट, अपना सेलिब्रिटी सीट है ये, तो हाई प्रोफाइल सीट है, तो वो 5 साल में हाई प्रोफाइल भी हो गए, वीआईपी भी हो गए, हैवीवेट भी हो गए, तो यहाँ की जनता बड़े समझदार है, उसने बड़े बड़े सारे लोगों को सबक सिखाया। लेकिन मेरा काम तो सिर्फ फोकस रहा क्षेत्रीय मुद्दों पर, हमने उनके क्षेत्रीय मुद्दों के लोगों के बाद में बात करी जाके, और जो उन्होंने 70 वादे पिछले चुनाव में करे थे वही मैनिफेस्टो इस बार वो ले आए हैं। तो हमने कहा देखो ये 2 मैनिफेस्टो हैं, पहले भी यही था और अब भी यही है, इसका मतलब उन्होंने काम नहीं करा था, दोबारा लेके आए, तो लोगों को समझ में आया। तो इस बार उनको चुनौती थोड़ी मुश्किल है जीतना चुनाव अपना। एक और चीज, आप अपने मंडल अध्यक्षों से, तमाम लोगों से रिपोर्ट ले रहे हैं, क्या रिपोर्ट आ रही है पिछले चुनाव के मुकाबले, क्योंकि चुनाव तो तीसरी बार अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं और बीजेपी यहां से 98 के बाद जीती नहीं, 93-97 में ही विधायक थे। कार्यकर्ताओं का कहना है हमारे अध्यक्षों का कि भाई जिस प्रकार से चुनाव इस बार लड़ा है गया है, हम आज से पहले हमने कभी ऐसा चुनाव लड़ते हुए देखा नहीं। एक तो छवि की भाई लोकल प्रत्याशी होने की वजह सब जानते थे, उनको भी सपोर्ट मिला, संगठन के कार्यकर्ताओं के अलावा बाकी क्षेत्रीय लोगों का समर्थन मिल जाए तो डबल एनर्जी हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि वो डबल एनर्जी से हमने काम किया, तो छवि आपकी ठीक थी, लोग आपके साथ जुड़े हुए थे पहले से, उन हम संगठन के लोगों ने और जनता ने मिलकर आपको चुनाव लड़ाया, तो वो लोग असेसमेंट कर रहे थे कि भाई हमें कहाँ कहाँ से वोट पड़ सकते हैं और केजरीवाल को देने के कारण क्या हो सकते हैं। केजरीवाल को देने का सिर्फ एक ही कारण है कि जो उन्होंने झूठ बोला, अगर उसके बहकाव में पार्टी आ गई होगी, जनता आ गई होगी, उसने चुपचाप जाके वोट दे दिया होगा तो कह नहीं सकते, लेकिन जो चिल्ला के वोट देने जा रहे थे तो वो सुनील यादव और बीजेपी कहते हुए जा रहे थे मोदी जी। पर मेरी उम्मीद है कि 40 से 60 ज्यादा सीटें हम जीत के सरकार बनाएंगे, क्योंकि जब नई दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल जी हारेंगे तो मुझे लगता नहीं कि आसपास भी माहौल होगा। तो देखिए ये सुनील यादव का कॉन्फिडेंस है जो जिन्होंने की, हालांकि पिछले काफी समय से ये नई दिल्ली से उम्मीदवारी चाहते थे, मौका नहीं मिलता था, इस बार मौका मिला तो मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़े और अब ये आश्वस्त है, ये कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल वगैरह आ रहे हैं हो सकता है कि उनके आंकड़े अपने हो, लेकिन जो इनके पास अपनी रिपोर्ट आ रही है वो इससे मेल नहीं खा रही, यानी 11 तारीख को
दिल्ली का परिणाम कुछ भी हो, नई दिल्ली का परिणाम अप्रत्याशित भी हो सकता है। दिल्ली से कैमरा पर्सन ललित के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज के लिए।